तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं रशीद होटल पे, इनकी बहुत तारीफ सुनी है हमने और इनके पास बहुत ही टेस्टी खाना होता है। इसकी लोकेशन हम आपको बता देते हैं, इस तरफ आप स्मार्ट स्कूल के सामने देख सकते हैं, स्मार्ट स्कूल साथ है, और इस साइड पे बैकअप साइड पे जो है ना, ये इसका पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो इसका हम आगे अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको बताएंगे कि ये किस तरह से इनका सिस्टम चलता है और किस तरह से इनका खाना बनता है और किस तरह से पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और लोग भी माशाल्लाह बहुत आते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक भाई जान। अच्छा सर, आपकी लोकेशन कहाँ है रशीद होटल की? रशीद होटल की दरिया खान रोड है और PSO का पंप है, उसके सामने है रशीद होटल, नया बनाया है, कॉलेज के पास है, पंजाब कॉलेज से पहले है। इसकी इब्तदा कहाँ से हुई रशीद होटल की? इसकी इब्तदा हुई है चिश्ती चौक से। ठीक है जी, तो ये इनके ऑनर कौन थे पहले? इनके ऑनर वाले साहब थे मरहूम। अच्छा, आपके वाले साहब? हाँ, वाले साहब थे। हाँ जी तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़? हमारे पास अभी यहाँ पर मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है और चिकन कढ़ाई है, और सालन में होता है मुर्गा दाल सब्जी। अच्छा, बिरयानी वगैरह भी होती है? बिरयानी नहीं होती। अच्छा सर, आप ये बताएं कि यहाँ पे लाइव कुकिंग करते हैं या पहले से बना हुआ देते हैं? लाइव। अच्छा, लाइव रहेगा, तोलेंगे मालिक के सामने। ठीक है, सामने बना के, सामने तोल के फिर देंगे। ठीक है, ठीक है। आपका किचन भी सामने नजर आ रहा है हमें? सामने ओपन, हर चीज सबके सामने होगी। जी जी, इसीलिए तो मैं आ रहा है ना आपका यहाँ पे, यहाँ पे लोग आते हैं, मैं भी कई बार आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही मैार है, हम यहाँ पे सुन के आए हैं और आपका किचन भी देखेंगे। मैार फुल मैार होगा, ठीक, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, प्राइस भी कम होगी यहाँ पे? प्राइस हमारी तकरीबन 200 से कम ही है। अच्छा, नॉर्मल है? नॉर्मल है, हर किस्म का। हमारा एक मियार है। जी 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 जी, मियार एक नाम है, एक मियार है, एक इतबार है। जी जी जी, हम इसी चीज पे कमा रहे हैं। जी जी मान। अच्छा, ये कितना अरसा हो गया, कब से स्टार्ट किया था ये? ये कम अज कम इसको 50 साल हो गए इस काम। अच्छा, 50 साल हो गए। चलो, वाले साहब ने शुरू किया था। जी जी, अभी तक हम आ रहे हैं यहाँ में, अब 8-9 महीने हुए। जी जी, यहाँ आने। अच्छा, सही है सही है। पहले वही, मतलब ये नई ब्रांच है ना? ये नई ब्रांच है, वो तो चिश्ती चौक पे है ना, वहाँ पे पहले खत्म कर। ठीक है, ठीक है, इधर ही आ गया। ठीक है। अच्छा जी, आपका अभी किचन भी दिखाते हैं और इनको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए, और यहाँ पे इनका बहुत ही मशहूर होटल है ये। यहाँ पे इनकी मेरे ख्याल में पहले कढ़ाई मशहूर थी ना आपकी? कढ़ाई अभी वही कढ़ाई मशहूर है, अभी वही कढ़ाई, और बेहतरीन करके बनाते हैं, इनके पास बेहतरीन शेफ मौजूद है यहाँ पे, इंशाल्लाह खुद है। इनका किचन है और किचन में चलते हैं, तो इनका किचन देखें बहुत ही साफ सुथरा है और हाइजीन का वक्त ख्याल रखा गया यहाँ पे। ये जी ताज़ा बनाई गई, अभी बनाई है भाई ने, ये चिकन कढ़ाई है ना? हाँ, चिकन कढ़ाई। अच्छा, चिकन कढ़ाई है, ये भी चिकन है? चिकन कढ़ाई। अच्छा, एक मजे की बात है कि यहाँ पे खुद जो है ना, ये गोश्त काट के देते हैं सामने, अच्छा सामने तोल के देते हैं, बना के देते हैं। सही है सही है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम किया हुआ है इन्होंने, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा पड़ा हुआ है। और इनका मयार आप देखेंगे, ये क्या चीज़ है भाई? आप ये आप आ जाए, ये है दाल। अच्छा, ये दाल है? ठीक है। ये है चिकन। अच्छा, चिकन है, ठीक है। ये सब्जी है। अच्छा, सब्जी मिक्स है? मिक्स है, दाल और ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह, आपने ढक्कन खोला है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही साफ सुथरा है और इसमें किसी किस्म का कोई भी मतलब के अनहाइजीनिक सिस्टम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। ये मरूम साहब के बेटे हैं और यही सेटअप चला रहे हैं माशाल्लाह से। मुझे यहाँ की ना एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगी है कि यहाँ पे जो है ये खुद काट के देते हैं गोश्त वगैरह सारा कुछ, और मालिक के सामने बना के देते हैं, और बहुत ही बेहतरीन है। आ जाएं सर, आ जाएं, आगे देखते हैं। रोटी वगैरह उधर लगाते हैं मेरे ख्याल में, चले आते हटो। ये फैमिली के लिए बनाई हुई है? अच्छा, ये फैमिली के लिए, मतलब कि फैमिलीज के लिए अलग से हॉल बनाया है इन्होंने। ये देखें जी, वेल डेकोरेटेड है और बहुत ही सफाई का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। इसमें देखें, बंदा जब बैठता है तो
माशाल्लाह से बहुत बड़े रेस्टोरेंट या होटल का यहाँ पे मज़ा ले सकता है। ये देखें एक और तकरीबन 3 या 4 जो है ना फैमिली के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं। वॉशरूम ऊपर है जी। अच्छा, वॉशरूम ऊपर। ये भी दूसरा किचन है? अच्छा अच्छा, सही है। बहुत ही साफ़ सुथरा है। मैं बहुत ही खुश हुआ ये चीज़ देख के कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। ये जी इनका किचन है जहाँ पे आई थिंक खाना वगैरह बनाते हैं और साथ में रोटियां वगैरह भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं रोटी भाई साहब लगा रहे हैं और इन्होंने प्रिकॉशन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने सर जो है ना ढापे हुए हैं, कोई बाल का ज़र्रा भी जो है ना ये सालन के अंदर ना जाए। देखें रोटी बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई हुई है इन्होंने और बहुत ही सफाई का ख्याल रखा गया है। अच्छा जी, दिन में कितना आपका जो है गोश्त लग जाता है, चिकन कितना लग जाता है तकरीबन? कभी हिसाब नहीं किया जी, वाले साहब मना ही करके गए, अभी हिसाब नहीं करना जी। जी वो तो बात ठीक है। ये आटा जो है देसी उसका है, गंदम का या साफ सुथरा आटा है? अच्छा, साफ सुथरा। अभी तो दोपहर का टाइम है आई थिंक, तो बहुत ही कम लोग हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ना आप एक बार ज़रूर चक्कर लगाएं और बहुत ही बेहतरीन माहौल है यहाँ पे। आपको इंशाल्लाह यहाँ पे जब आएंगे तो आप खुश हो के जाएंगे यहाँ पे आके के आकर खाएं और बाद में पैसे दें। हाँ, मतलब कि मज़ा ना आए तो ये टेंशन ही लें। हाँ, टेंशन ही लेनी आपने। ठीक है जी भाई, वाले साहब। अच्छा जी जी, ये जी अब्दुल रशीद गादी साहब हैं मरहूम, इनके वाले साहब हैं। इन्होंने ही सेटअप स्टार्ट किया था चिश्ती चौक बकर पे। जी जी, मोहम्मद रमजान जानी गादी। अच्छा जी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे आप हैं। ठीक है जी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, इन्होंने सीटिंग का प्लान। अच्छा, ऊपर भी जगह है बिठाने की? अच्छा, ऊपर ओपन एरिया है मतलब के। ये देखें रोटी लग रही है यहाँ पे। चलें सर ऊपर, ऊंची सीढ़ियाँ। वाह जी वाह, बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है, साफ़ सुथरा निज़ाम है। और देखें कि खुली हवा में, हाँ अभी इसकी सफाई भी होनी है, अभी ये तकरीबन हर घंटे बाद सफाई करते हैं यहाँ पे। अब देखें खुला माहौल है और बहुत ही बेहतरीन हवा लग रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। आप जब भी भक्कर आएँ तो रशीद होटल न्यू ब्रांच पे लाजमी आएँ। ये पंजाब कॉलेज से पहले आती है और स्मार्ट स्कूल के साथ ही मौजूद है। तो ये सर तकरीबन रात को तो माशाल्लाह बहुत रश होता होगा, ये जगह नहीं मिलती यहाँ बैठने के लिए, इंतजार में खड़े होते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि रात का तो बड़ा मजा आता है, ये दिन में जरा कम होता है। जी जी जी, शाम को बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, शाम को कम लगता है क्योंकि छोटा शहर है ना। जी जी जी, लोग कारोबार से फारिग होकर फिर शाम के वक्त ही आते हैं लोग। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन माहौल है, ओपन माहौल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो ज़्यादातर रात को यहाँ पे बैठ के आप मज़े से खा सकते हैं। अच्छा जी, हम टेबल पे आ गए हैं और खाना हमारा लग गया है। तो ये सबसे पहले सैलेड दिया है इन्होंने, सैलेड के साथ इन्होंने ये अचार भी दिया, रोटी वगैरह है और यहाँ पे दही भी दिया और कढ़ाई बनवाई है हमने। तो इसमें हम टेस्ट करके देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा टेस्ट है। पहले भी मैं खा चुका हूँ लेकिन अब देखते हैं कि इनका टेस्ट जो है चेंज है या वैसे ही है। यकीन करें इतना टेस्टी है तो मैं कुछ सारा खा जाऊं, बहुत ही टेस्टी है। साथ में सैलड वगैरह भी इन्होंने दिया हुआ है, अचार भी है। बकर में कभी आना हो तो रशीद होटल की इस ब्रांच पे आपने आके आना है लाजमी, और बहुत ही मुनासिब प्राइस है और बहुत ही बेहतरीन खाना यहाँ पे देते हैं ये। ठीक है, एक बार मैं भाई को कहूँगा ये इनको दिखा दें, ये दिखा दें, कढ़ाई बनवाई है हमने। तो अब तक कर ठीक है, शामिल तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।